कंटिन्यू करते हैं। ओके, जो लास्ट वाली एग्जांपल मैंने एक्सप्लेन की थी वो समझ में आ गई। आवाज नहीं आ रही क्लास? हेलो हेलो, ठीक है। लेट से मैंने एक क्लास बनाई और उस क्लास के अंदर मेरे पास एक फील्ड है और मैंने एक कंस्ट्रक्टर यूज किया विच इज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अब मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने जा रही हूँ। पर्सन P is equal to new person, और यहाँ पे एक string input मैं दे देती हूँ, ठीक है। तो ये access हो जाएगा, लेकिन अगर मैं चाह रही हूँ कि मैं एक और object बनाऊ जो कि default constructor use करते हो मैं use करूँ, that is person P is equal to new person, तो यहाँ पे अब आपका कंपाइलर जो है वो ऑटोमेटिकली खुद से कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं क्रिएट करेगा अगर आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पे आपको जाके इम्प्लिसिटली कॉल नहीं होगा, आपको एज अ प्रोग्रामर एक्सप्लिसिटली जाके खुद से डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। तो अब ये एरर मेरे पास रिमूव हो जाएगा, ये एरर यहाँ पे मेरे पास रिमूव हो गया। तो अगर आप पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे हैं विद इन अ क्लास, क्लास के अंदर आपने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाया है और आप जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त पैरामीटराइज्ड वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे तो कॉल हो जाएगा, लेकिन अगर आपने एक्सप्लिसिटली डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया क्लास में और आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज करना चाह रहे हैं तो फिर वहां पे आपको कंपाइलर एरर देगा। एरर क्या देगा कि इस नाम का कोई कंस्ट्रक्टर क्लास में नहीं है। अब ये इम्प्लिसिटली खुद से ऑटोमेटिकली क्रिएट नहीं करेगा जब पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्लास में मौजूद है, आपको एज अ प्रोग्रामर एक्सप्लिसिटली खुद से जाके कंस्ट्रक्टर यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये एरर यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाह रही थी क्योंकि हो सकता है कई टाइम आपके पास ये एरर आ रहा हो। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ओके, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास आफ्टर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर इज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, जो कि हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होगी,
In C sharp, we can overload constructor by creating another constructor with same method name and different parameters. Means constructor का नाम तो हमेशा वही होगा जो class का नाम है, but difference क्या होगा? Difference in different parameters. ठीक है, let's say जैसे यहाँ पे example है. First one is default constructor, second one is parameterized constructor. अब जब आप call करेंगे object create करते वक्त, जब without an argument call करेंगे तो ये default constructor call होगा, और जब आप with argument call करेंगे तो जो उस parameter से matching होगा वही वाला constructor आपके पास call होगा. जरूरी नहीं है कि हमेशा दो ही constructor हो, एक default और एक parameterized constructor. Further और parameterized constructor भी आप use कर सकते हैं within a class like this. जैसे मेरे पास ये person की class है, ठीक है, इसमें हम कुछ और फील्ड ऐड कर देते हैं. एक और फील्ड मैंने लेट्स से पब्लिक इंट एज, सिमिलरली पब्लिक फ्लोट. ठीक है, एक मैंने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना दिया पर्सन का. मैं चाहूँ तो यहाँ पे, अच्छा, एज अ प्रोग्रामर इट्स अप टू यू कि आप किस तरीके से कंस्ट्रक्टर को एडिट कर रहे हैं. अगर आप चाहें तो डायरेक्ट एक स्टेटमेंट दे दें, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इट्स नॉट मैंडेटरी. मैं सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए समझा रही हूँ. और आप चाहें तो अगर आप यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं देंगे तो ये ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग के लिए नल कर देगा, एज के लिए जीरो और हाइट के लिए भी जीरो. और अगर मैं चाह रही हूँ कि जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट पासिंग, तो हमेशा डिफॉल्ट वैल्यू मेरे पास कोई एक डिफॉल्ट वैल्यू में देना चाहूँ तो मैं ऐसा कर सकती हूँ. यहाँ पे लेट से मैंने यहाँ पे एक्स वाई जेड दे दिया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में, फिर मैंने एज दे दी इज इक्वल टू 50 फॉर एग्जांपल, और हाइट मैंने दे दी 5.8. ठीक है, अब जब भी मैं विदाउट एनी आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट कॉल करूंगी पर्सन का, तो यहाँ पे हमेशा ये क्या करेगा, हमेशा मेरे पास इन्हीं डिफॉल्ट वैल्यू से नेम, एज और हाइट को सिलेक्ट करेगा, सेट कर देगा वैल्यूज. फिर मैंने एक और कंस्ट्रक्टर बनाया नेम, और मैंने कहा नेम इज इक्वल टू एन. फर्दर मैंने एक और कंस्ट्रक्टर बनाया, कंस्ट्रक्टर का नाम हमेशा क्लास के नेम के इक्विवेलेंट होगा पर्सन, और इसमें मैं क्या ले रही हूँ इंट ए. ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको क्या स्पेसिफाई कर रही हूँ कि जो एज है वो जो ए में यूजर एज पास करे वो एज को सेट कर दे. फिर मैंने सिमिलरली एक और कंस्ट्रक्टर बनाया पब्लिक पर्सन, और यहाँ पे मैंने दे दिया फ्लोट एफ. आप चाहें तो सीक्वेंस भी यूज कर सकते हैं कि एज और हाइट साथ ले ले नेम, लेकिन एक चीज रिपीट नहीं हो सकती. जैसे मैंने स्ट्रिंग ले लिया यहाँ पे, तो अब मैं एक और कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकती जो सिर्फ स्ट्रिंग इनपुट ले. हाँ, कॉम्बिनेशन बना सकती हूँ स्ट्रिंग और इंटीजर का, स्ट्रिंग इंट फ्लोट का. ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कर दिया हाइट इज इक्वल टू एफ जो वैल्यू पास हुई है. और फिर मैंने एक और, ये सारे मेरे पास क्या है, ये सारी मेरे पास कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट है कि मैं कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर रही हूँ विद डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स. और यहाँ पे मैंने इसको क्या इनपुट दिया कि ये जो पब्लिक पर्सन है ये एक स्ट्रिंग एन ले, एक इंट ए ले, और एक फ्लोट एफ ले. और ये सारी वैल्यूज कैसे सेट हो जाए मेरे पास, नेम इज इक्वल टू एन, एज इज इक्वल टू ए, एंड स्टेटमेंट यूज करूंगी. ठीक है, नेम प्लस नेम. ठीक है, इसी तरीके से मैं एज को भी प्रिंट कर दूंगी और हाइट को भी. एज यहाँ पे एज आ जाएगा मेरे पास, जी मुजम्मिल. मैम मैं ये पूछ रहा था कि अगर हम जिसे हम आपने यहाँ पे पब्लिक पर्सन, ये जो हमने पैरामीटराइज किया है स्ट्रिंग,
इंट और फ्लोट को। तो अब हम यहाँ पर अगर ये करते हैं कि हम इसी नाम से जिसको एक्सेस करने हैं, तो हम यहाँ दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम कर सकते हैं ना, और दिस डॉट इंट इज इक्वल टू इंट दिस डॉट इज, हम यहाँ पे जो हमने किया ऊपर, सॉरी ये मैम ऊपर कीजिएगा, जी दिस करके भी तो कर सकते हैं ना, ये क्या दिस है नेम इज ना, इक्वल टू दिस जी बिल्कुल ऐसे भी कर एज। सकते हैं। और अपना मैम हमने ये करता कि हमें ये ओवरलोडिंग की क्या जरूरत है, क्योंकि अब देखें हमने यहाँ पे पब्लिक का अपना एक क्लास बना लिया यहाँ पे पर्सन की, ठीक है पर्सन के नाम से हमने इसको कॉल करवाया हुआ है, तो अब हम नीचे आके एक ऑब्जेक्ट कॉल करवा के भी तो इसको काम कर सकते हैं डायरेक्टली। जब हम कंसोल को राइट करके भी तो काम कर रहे हैं ना, तो अगर हम ऑब्जेक्ट से कॉल कर लेंगे ये जब भी कॉल हो जाएगा, हाँ लेकिन दैट इज तो नॉट अ ये गुड वे, दैट इज नॉट अ गुड वे ना। हम चाह रहे हैं कि हमने अगर प्राइवेट नहीं भी लगाया इन वेरिएबल्स को, बट फिर भी हम डायरेक्ट इंस्टेंस फील्ड को एक्सेस करने के बजाय हम थ्रू कंस्ट्रक्टर इनकी वैल्यू सेट करवाएं। तो जब तो जो इनको तो हम कंस्ट्रक्टर प्राइवेट, को, तो मैम इनको तो हम प्राइवेट अगर करेंगे तो वो तो गेट और सेट के मेथड से होगा, और अगर हम लेकिन क्लास अगर को आप प्राइवेट कर रहे हैं प्राइवेट तो वो नहीं तो हमने इसके अंदर ही बना के करेंगे ना फिर तो हम। लेकिन अगर आप प्राइवेट नहीं कर रहे तो फिर भी डायरेक्ट वेरिएबल्स को एक्सेस करना थ्रू देयर नेम इज नॉट अ गुड अप्रोच। आप कर सकते हैं लेकिन उससे क्या होगा, आपको बार बार रिपीट करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट आपने बनाया, लेट्स से पर्सन पी इज इक्वल टू न्यू पर्सन, और अगर आपके पास 10 फील्ड्स हैं तो क्या आप 10 फील्ड्स के लिए बार बार पी डॉट नेम इज इक्वल टू दिस, पी डॉट एज इज इक्वल टू दिस, और फिर मल्टीपल एट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट्स हैं और मल्टीपल फील्ड्स हैं, तो क्या आपको बार बार डॉट 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 ऑपरेटर करके बार बार वो चीज रिपीट करनी होगी? उससे बेटर ये कि हम डिफरेंट कंस्ट्रक्टर बना दें और उन कंस्ट्रक्टर के मैचिंग जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो उसी वक्त वैल्यू असाइन हो जाए। दैट इज अ गुड अप्रोच एंड मीनिंगफुल अप्रोच, जिससे आपके लाइन ऑफ कोड रिड्यूस होगा। आपने एक दफा ये बना लिया, अब जित पॉसिबल कॉम्बिनेशन सारे बना लिए, अब जब जब ऑब्जेक्ट बनाना होगा जो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली वैल्यू होगी वो पास हो जाएगी। अब लेट्स से यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया पर्सन का, पर्सन पी इज इक्वल टू न्यू पर्सन, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, अब मैं पी डॉट नेम सेट करूं जैसे मुजम्मिल कह रहे हैं, विदाउट क्रिएटिंग ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। यही कह रहे हैं ना आप मुजम्मिल? जी हाँ, तो जी अब लेट से अभी तो मेरे पास 3 फील्ड्स है ना, लेकिन अगर मेरे पास 6 7 फील्ड्स हुई तो क्या आप सबको वन बाय वन जाके ऑब्जेक्ट से एक्सेस करेंगे? इट्स नॉट अ गुड ऑब्जेक्ट अप्रोच। से नहीं कह रहे हैं। अब देखें मैम 1 मिनट ऊपर कीजिएगा, 1 मिनट के लिए ऊपर कीजिएगा। कहने जी का मकसद ये है कि अब देखें यहाँ पर हमने स्ट्रिंग नेम लिया, नीचे करें मैम, ये तो हमने डिफॉल्ट हमने इसकी वैल्यू दी हुई है ना, अब मैम नीचे कीजिएगा। जी अब यहाँ पर हम लिखा हुआ स्ट्रिंग नेम, यहाँ पे लिखा हुआ इंट, यहाँ पे है फ्लोट, अब जी हमारे पास 3 है, तो अब नीचे आके हमने दोबारा से इन्हीं चीजों को यहाँ पर हमने पैरामीटराइज किया हुआ है, इन्हीं चीजों को। ऊपर वाले चीज से अच्छा है मतलब हमने अगर तीनों को पैरामीटराइज करके नीचे कंसोल डॉट राइट लाइन कर दें तो वो मतलब फिर तो कोड और रिड्यूस हो जाएगा ना हमारा, हाँ, तो अगर आप ये नहीं हम यूज करना वही चाह चीज रहे, दोबारा से इस पैरामीटराइज अगर के आप अंदर ये डालनी है नहीं तो यूज क्या करना फायदा। चाह रहे तो आप नहीं करें, ये नहीं कर सकते, इट्स अप टू यू एज अ प्रोग्रामर। लेकिन आप ऐसा भी करना चाहें तो कर सकते हैं। इसका फायदा ये होगा कि अगर आप चाह रहे हो कि तीनों फील्ड सेट ना हो, आप चाह रहे हो कि सिर्फ मैं पर्सन की एज सेलेक्ट करूं, बाकी नेम और ठीक हाइट वही डिफॉल्ट रहे, तो फिर उसके लिए है आपको फिर ये दोबारा देना पड़ेगा। इसीलिए फिर आपको अगर कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट इंस्टेंस फील्ड को एक्सेस करना है तो उसके लिए आप अलग अलग को एक्सेस करें, और अगर आपने तीनों को एक साथ सेट करवाना है तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। तो ठीक आप ये एज अ प्रोग्रामर फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त सारी पॉसिबिलिटीज आप यूज कर सकें। क्लियर है? जी जी थैंक यू। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, मैंने जब पर्सन पी इज इक्वल टू पर्सन कॉल किया और पी से मैंने कॉल करवा दिया पी डॉट प्रिंट ऑल, तो वो जो डिफॉल्ट वैल्यू जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से सेट हुई थी, क्योंकि मैंने डिफॉल्ट वाला कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट बनाया, सो ये डिफॉल्ट वाले कंस्ट्रक्टर पे जाएगा और सारी वैल्यूज को डिफॉल्ट पे सेट कर देगा। एक्स वाई जेड 50 एंड हाइट 5.8 f, और फिर प्रिंट ऑल के मेथड में ये सारी वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। रन किया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एक्स वाई जेड 55.8। अब मैं चाह रही हूँ कि पर्सन के लिए मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाऊं, ठीक है, जो मुजम्मिल का क्वेश्चन था। चलें पहले एक ऐसा बना लेते हैं जिसमें हम तीनों फील्ड दे दें, पर्सन P1 इज इक्वल टू न्यू पर्सन। अच्छा, ऑर्डर जरूरी है वहां पे, अगर आपने स्ट्रिंग इंटीजर और फ्लोट दिया है तो यहाँ पे भी आप उसी सीक्वेंस में देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने दे दिया, पहला स्ट्रिंग होना चाहिए, सेकंड इंटीजर होना चाहिए, और थर्ड क्या होना चाहिए मेरे पास, फ्लोट।
तो मैंने यहाँ पे दे दिया 4.7f, ठीक है। और यहाँ पे ये कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा जो ये तीन इनपुट ले रहा है, ये वाला स्ट्रिंग वाला, इंटीजर एंड देन फ्लोट, ये तीन इनपुट हो गए। अब इसके बाद जब मैं इसको कॉल करवाऊंगी प्रिंट ऑल, तो ये मुझे ये अब जो मैंने गिवन वैल्यूज है मेरी गिवन वैल्यूज पे प्रिंट कराएगा। कैसे प्रिंट कराएगा, इस p1 से मैं प्रिंट ऑल का मेथड कॉल कर दूंगी, डॉट प्रिंट ऑल, ठीक है। जब वैल्यू पास नहीं की थी तो डिफॉल्ट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, जब वैल्यू पास की तो जो मैंने गिवन वैल्यूज दी है वो ही पास हो गई। अब लेट से मैं चाह रही हूँ कि एक और ऑब्जेक्ट बने जिसमें मैं सिर्फ हाइट चेंज करवाऊं, बाकी की सारी चीजें डिफॉल्ट रहनी चाहिए, या मैं चाह रही हूँ कि पर्सन का नेम चेंज हो जाए और उसकी बाकी की फील्ड सेम रहे, मतलब एज और हाइट वही रहे जो डिफॉल्ट में थी 50 और 5.8। तो मैं क्या करूंगी, मैं कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करूंगी जो सिर्फ एक इनपुट ले रहा है, स्ट्रिंग वाला, ठीक है। और मैं यहाँ से कॉल करवा दूंगी एफ पी टू डॉट प्रिंट ऑल, ठीक है। तो इसने क्या कर दिया, 0 0, क्योंकि अब ये जो पर्सन पे इसने कॉल किया एफ एच जे एफ, तो फिर ये क्या करेगा, ये दोबारा जाएगा इस जहां पे मैंने स्ट्रिंग दिया है ये वाला, और दिस डॉट नेम वो कर देगा जो यूजर ने पास किया। बाकी दोनों फील्ड्स को क्या कर देगा, बाकी दोनों फील्ड्स को ये कर देगा 0 0, जो इनकी अपनी डिफॉल्ट वैल्यूज है, ठीक है। यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, क्लियर है यहां तक? उसको आपको फिर रिपीट करवाना पड़ेगा, अगर डिफॉल्ट वैल्यू आप देना चाह रहे हो तो वो फिर हर कंस्ट्रक्टर के साथ आप वही वैल्यूज, लेट से अगर आप चाह रहे हो कि जब पर्सन कॉल हो नेम जो आप दे रहे हैं वो हो और बाकी वैल्यूज नेम और एक्स वाई जेड हो, एज 50 हो, क्योंकि आप कॉलिंग जब करते हैं तो कॉलिंग हमेशा वो वाला कंस्ट्रक्टर होता है जिसके अकॉर्डिंग पैरामीटर पास हुए हों। तो यहाँ पे जब मैं एक स्ट्रिंग वाला इनपुट दिया, एक स्ट्रिंग इनपुट दिया, तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जो वन स्ट्रिंग एज एन इनपुट ले रहा है, ये वाला। और इसको मैंने क्या कर दिया, दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, और यहाँ पे मैं अगर एक्स वाई जेड और एज इज इक्वल टू 50 करवाऊँ तो फिर यहाँ पे फिर मुझे हर एक को दोबारा से वैल्यू सेट करवानी पड़ेगी रिमेनिंग वैल्यूज। अगर एज चेंज करनी है तो फिर एज वाले को चेंज करवाएंगे जो सिर्फ वो वाला इनपुट देंगे, पर्सन p3 इज इक्वल टू न्यू पर्सन, और यहाँ पे आप एक इंटीजर इनपुट दे दें एज वाला, लेट्स से 68। लेकिन जो चीज आप यहाँ से कॉल कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली ऊपर वहां पे कंस्ट्रक्टर वैसा होना चाहिए जो वो इनपुट ले रहा हो। क्या मतलब हाइट के अलावा कुछ और हो जाएगी, आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया मुझे, आ रही है आवाज?
जी जवेरिया, आपका क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया, रिपीट करते हैं आप दोबारा। ओके, सिमिलरली वी कैन यूज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट हमने देख लिया है, ठीक है, ये एग्जांपल भी यहाँ पे गिवन है। तो यू कैन हैव मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स विद डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट, बट एक सीक्वेंस रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर आपने दोनों स्ट्रिंग लिए हैं तो फिर नेक्स्ट टाइम यही कंस्ट्रक्टर जो दो स्ट्रिंग ले रहा होगा वो दोबारा यूज नहीं हो सकते। अगर एक स्ट्रिंग और इंटीजर लिया तो नेक्स्ट टाइम इसकी सीक्वेंस चेंज हो सकती है, लेट्स से इंट एंड स्ट्रिंग, लेकिन एक कंस्ट्रक्टर जो सेम पैरामीटर है वो रिपीट नहीं हो सकता। अच्छा, यहाँ पे एक टॉपिक को मैं फिलहाल यहाँ पे स्किप कर रही हूँ, या हमारे पास आउटलाइन में भी मिड के बाद है, तो ये हम जब मेथड ओवरलोडिंग और बाकी सब चीजें पढ़ लेंगे उसके बाद हम डिस्ट्रक्टर देखेंगे इनहेरिटेंस के बाद। तो अभी इस टॉपिक को मैं फिलहाल के लिए स्किप कर रही हूँ, डिस्ट्रक्टर वाले मेथड को। जी जवेरिया, मिस मैं ये कह रही हूँ जैसे आपने हाइट और एज, हाइट आपने डबल ली और फ्लोट ली, और आपने एज जो है वो इंटीजर ली, लेकिन अगर हमारे पास दोनों के मतलब जो हमारे डेटा टाइप पे वो सेम हो, वो जरूरी नहीं कि एज और हाइट, हम कोई और चीज भी ले सकते हैं। जैसे अगर हम लेंथ और ब्रेथ ले रहे हैं और दोनों के दोनों डबल में, और हमने दोनों को अलग अलग मेथड से मतलब कॉल करवाया है, तो मिस वो कैसे फिर नहीं हो सकता, फिर उनके लिए एक ही कंस्ट्रक्टर बनेगा। अगर अलग फील्ड्स हैं, जैसे ये भी एज और ये भी इंट, तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि आप दो इंटीजर इनपुट ले लें, एक ऐसा कंस्ट्रक्टर बना लें जो दो इंटीजर इनपुट ले रहा हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने बनाया पब्लिक पर्सन और यहाँ पे इंट एल कॉमा इंट बी, मतलब लेंथ और ब्रेथ, और यहाँ से आप एल और बी दोनों को सेट करवा दें। कैसे सेट करवाएंगे, लेंथ आप ही वाली एग्जाम्पल को मैं कोट कर रही हूँ, इज इक्वल टू एल एंड ब्रेथ इज इक्वल टू बी। और अगर आप चाह रहे हैं कि एक इनपुट हो तो एक के लिए आप किसी एक को सेट करवा सकते हैं, दोनों को नहीं करवा सकते। लेट्स से पब्लिक पर्सन इंट एल, तो मैं चाह रही हूँ कि अगर मैं एल दूं तो लेंथ हो जाए इज इक्वल टू एल। और अगर आप चाह रहे हैं वही वैल्यू दोनों के लिए हो, यानी कि लेंथ और ब्रेथ सेम हो, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ब्रेथ को भी एल करवा दें। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप यहाँ पे पब्लिक पर्सन और एक और इंट बनाए इंट बी, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास पैरामीटर लिस्ट दोनों बिल्कुल सेम हो जाएंगे, ये भी एक इंटीजर इनपुट ले रहा है, ये भी एक इंटीजर। तो जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, एक इंटीजर पास करेंगे, तो आपका कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि इनमें से दोनों में से कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। मैंने एक्सप्लेन करने के लिए रखा है कि अगर वही एक इंटीजर वैल्यू आप लेंथ और ब्रेथ दोनों के लिए रखवा रहे हैं तो इट्स अप टू यू, आप चाहें तो किसी एक को सेट करवा दो। ये मैंने एक्सप्लेन करने के लिए कहा है कि अगर आप एक ही वैल्यू दोनों को सेट करवाना चाहें तो ये भी कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि यहाँ पे भी एक इंटीजर हो और यहाँ पे भी एक इंटीजर हो, इन दोनों में से आप हमेशा कोई एक यूज करेंगे। जी मुजम्मिल, कोई क्वेश्चन है? यू हैव रेज योर हैंड। हेलो जी मुजम्मिल, वो मैंने मैम नीचे कीजिएगा एक मिनट। मैम देखिए, आपने कहा था कि अगर हमें एक एक करके मतलब हमें किसी का नाम चेंज करना हो या एज चेंज करनी हो या हाइट हो जो भी हो, तो वो आपने कहा था कि हमने अलग अलग हमने जो क्लास बनाई हुई थी स्ट्रिंग नेम, ठीक है, और उसमें एक क्लास तो एक ही है, अलग अलग क्लास नहीं, अलग अलग फील्ड्स हैं। कंस्ट्रक्टर आपने बनाए थे ना अलग अलग। जी, तो वो अब आपने नीचे करके पैरामीटराइज आपने किया हुआ था कि स्ट्रिंग इंट और फ्लोट के नाम से, अगर हमें उसको उसका हमें नाम चेंज करना है ना, तो हम डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं, हमने स्ट्रिंग में उसका नाम चेंज कर दिया, बाकी उसकी मतलब एज और हाइट सेम रख दी तो उसका नाम चेंज हो जाएगा। और अगर हम बिल्कुल कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, तो हमें कर सकते हैं, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। एक्चुअली जरूरत
कोड की इसलिए है कि हम सिनेरियो टू सिनेरियो मैप कर रहे हैं. हो सकता है एक ऑब्जेक्ट को सिर्फ एज की जरूरत हो, बाकी वो चीजें उनको जीरो चाहिए हो, तो हम फिर एज वाले पे काम करेंगे. नेक्स्ट एक ऑब्जेक्ट है जिसको सिर्फ नेम पे फोकस हो, और एक ऑब्जेक्ट है जिनको तीनों चाहिए हो, तो हम फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं ऑब्जेक्ट के लिए कि जिस ऑब्जेक्ट को जो यूटिलाइजेशन हो उसकी यूटिलाइजेशन के लिए अकॉर्डिंगली हम उस पर काम करवा रहे हैं. ओके थैंक यू. ठीक है. जी क्लास, फर्दर कोई क्यूरी है यहाँ तक तो आप जो है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं. जी क्लास, व्हाट अबाउट प्रोजेक्ट ग्रुप्स एंड प्रपोजल? मैक्सिमम 3 मेंबर्स जो हैं वो अलाउ हैं आपके प्रोजेक्ट में. प्रोजेक्ट का प्रपोजल टेम्पलेट भी एलएमएस पे अपलोडेड है, प्रोजेक्ट की लिस्ट भी एलएमएस पे अपलोडेड है. यू कैन कम अप विथ योर ओन आइडिया एज वेल, एंड विंडोज फॉर्म बेस्ड एप्लीकेशन आप बना सकते हैं, बट बैक एंड पे जो आपके पास कॉन्सेप्ट यूज होगा वो ऊप के सारे कॉन्सेप्ट यूज होंगे. ठीक है. सो जैसे आपका पीएफ का प्रोजेक्ट वाइवा हुआ था उसी तरह होगा, बल्कि ऊप में थोड़ा सा और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा. मिड्स का अभी तक कुछ जैसे हमें पता चलेगा वो फिर मैं आपको नोटिफाई कर दूंगी कि मिड्स हैं नहीं है, कब है, क्या है. ठीक है, यहाँ तक जो टॉपिक कंटेंट्स कवर करनी है यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है. प्रपोजल सबमिट करवाना है परसों वेडनेसडे को. नहीं अभी क्लास एंड नहीं है, अभी ब्रेक के बाद हम थोड़ी देर बाद दोबारा कंटिन्यू करेंगे. अभी मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ, फिर ब्रेक के बाद हम जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे. ऊप्स के पिलर तो करवाने हैं ना, अभी तो हम वन बाय वन चल रहे हैं. अब सारी चीजें एक क्लास में तो हो नहीं सकती, वन बाय वन चलेंगे. जो कोर्स आउटलाइन है उसको फॉलो करना है. प्रपोजल मैं गूगल क्लासरूम पे कोर्स क्रिएट कर लूंगी, उसका लिंक मैं आपको कोर्स सेंड कर दूंगी, वहां पे आप अपलोड कर दीजिएगा. असाइनमेंट इंशाल्लाह आज आप लोगों को मिल जाएंगे.
जी क्लास, मैं अटेंडेंस ले रही हूँ फर्स्ट सेशन की. जिस स्टूडेंट का नेम कॉल करूँ आप काइंडली मुझे अपनी अटेंडेंस जो है वो सेंड कर दें. ठीक है.